हेलो गाइस, आज इस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तरह हूँ हाफिज टूल। इसका वर्जन है V.2। तो गाइस, इस टूल का मदद से आप MTK फ़ोन और क्वालकॉम फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक कर सकते हो। गाइस, इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको वर्क करना है, वही दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन घंटा भी दबा दो, क्योंकि जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुँचे। तो गाइस, सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी एंटीवायरस है तो उसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। तो गाइस, इस टूल को स्टक करना है। तो गाइस, स्टक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको भी स्टक करना है। स्टक करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस, देखिए जो हमारा टूल था वो लोडिंग हो रहा है। तो गाइस, इस टूल में बहुत सारा फीचर्स है, ठीक है गाइस। तो इसको इस टूल में आप क्वालकॉम फ़ोन और MTK फ़ोन का आप पैटर्न पिन पासवर्ड रिमूव कर सकते हो। तो गाइस, देखिए ADB मोड पे आपको ये सब मिल जाता है, FRP रिमूव, FRP अनलॉक, MI अकाउंट और रिबूट टू फास्ट बूट मोड। तो गाइस, ये गया ADB फीचर्स का। तो गाइस, यहाँ पे देखिए एड्रेस MTK। तो अगर आपके पास कोई डिवाइस है आपको सबसे पहले इस MTK एड्रेस टूल को ओपन करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, देखिए ये इंस्टॉल होकर आपका सामने आ गया। तो गाइस, इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, ये ओप्पो का है और ओप्पो रियलमी और शाओमी डिवाइस और मीजू डिवाइस का बहुत सारा यहाँ पे स्कैटर फाइल दे रखा है। तो गाइस, इसको आप क्या कर सकते हो, इस टूल का मदद से आप स्कैटर जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो, जो प्रीलोडर फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, इसका जो स्कैटर फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस, स्कैटर फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो गाइस, एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद आपको स्कैटर में क्लिक करना है। स्कैटर में क्लिक करने के बाद आपको उस फाइल का जो स्कैटर फाइल है वो लोड कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए ये लोड हो गया। तो देखिए FRP में क्लिक करने के बाद इसका जो FRP कोड है, तो गाइस देखिए यहाँ पे FRP कोड आ गया। और गाइस, यूजर डेटा में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो यूजर डेटा का जो कोड है वो कोड आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टूल को ये ड्राइवर को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और OFP एक्सेटर यहाँ पे है, OFP एक्सेटर भी सपोर्ट है यहाँ पे। गाइस, आपके पास जो भी डिवाइस है उस डिवाइस में MTK चिपसेट लगा हुआ है तो आप उसका प्रीलोडर फाइल आप नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप प्रीलोडर फाइल और स्कैटर फाइल भी बना सकते हो। तो गाइस, इसके लिए आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है और यहाँ से लोड करके उसको स्टक करना है। तो गाइस, स्टक करने के बाद आपके पास स्कैटर फाइल बन के आ जाएगा। तो गाइस, ये है MCT प्रो। तो गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो गाइस, इस टूल का मदद से आप वो ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हो। जो मोबाइल में जो प्रोटेक्शन रहता है उस प्रोटेक्शन को आप यहाँ से बाईपास कर सकते हो, यहाँ से तोड़ सकते हो। तो गाइस, देखिए यहाँ पे बहुत सारा MediaTek चिपसेट यहाँ पे सपोर्ट है। तब सिंपली जो भी चिपसेट है आपको सिलेक्ट करके, अगर मालूम नहीं है तो आप ऑटो पे रख के यहाँ से सिंपली मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस और माइनस प्रेस करके एक साथ में USB केबल इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, अभी फ़िलहाल ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ऐसा एरर दिखा रहा है। तो गाइस, इंस्टॉल होगा तो आपका डिवाइस ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन बाईपास होने के बाद आपको क्या करना है, SP टूल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे चूज फाइल में और डेस्कटॉप में जाना है, जो फाइल अपलोड की थी उस फाइल में जाना है। तो गाइस, और जाना है जो आप अगर मानो सेट को आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मैनुअली जो एड्रेस है आपको देना पड़ेगा। इस एड्रेस को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो गाइस, पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन पे जाना है और
कनेक्शन पे जाना है हाई बिट रेट, यहाँ से हाई बिट रेट को यहाँ पे हाई कर देना है और गाइस यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा। पोर्ट सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस अभी मेरे पे कोई डिवाइस नहीं है तो ये एरर दिखा रहा है, तो गाइस आप सिंपल यहाँ से इस फ्लैश कर सकते हो। तो गाइस ये यहाँ पे एड्रेस फाइल में जितना सारा फ़ोन है आप सिंपली इस टूल के थ्रू आप फ्लैश कर सकते हो, FRP अनलॉक कर सकते हो, MI अकाउंट रिमूव कर सकते हो। तो गाइस ये तो गया MTK जो फीचर्स था MTK फ़ोन के लिए। तो गाइस क्वालकॉम में देखिए, क्वालकॉम में आप यहाँ पे ओप्पो का कुछ डिवाइस है, आप यहाँ से पैटर्न पिन पासवर्ड रिमूव कर सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है मॉडल दे रखा है, तो मॉडल सेलेक्ट करके आप यहाँ से रिमूव ब्लॉक कर सकते हो, FRP अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ से आप डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर पर जा सकते हो। तो गाइस ये है विंडोज़ डिफेंडर, आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो विंडोज़ डिफेंडर है आप ऑफ कर सकते हो। और गाइस ये ड्राइवर है MTK क्वालकॉम का ड्राइवर। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।